आज जो बात करेंगे वो सिविल सोसाइटी की बात करेंगे। और आपने देखे होंगे कि अगर पॉलिटिक्स जैसे गुड हो जाए, अच्छी राजनीति हो जाए, जहां से नीति चलती है तो अच्छा एग्जीक्यूशन हो जाए, तो गुड गवर्नेंस, फ्रॉम गुड पॉलिटिक्स टू गुड गवर्नेंस, ठीक है ना। देखिए, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम पॉलिसी की बात करते हैं, और जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो प्रशासन की बात करते हैं। अगर विधायिका अच्छी अच्छी नीतियां दे और जिस तरीके से गुड गवर्नेंस की, या यू कहा जाए पब्लिक की आवश्यकता है, जिस तरीके से पब्लिक को उसके रक्षा, सुरक्षा, विकास, उत्थान, करियर, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, तमाम चीजों के लिए चीजें बहुत ही ढंग से चाहिए, अगर उसको ध्यान में रख के देखा जाए तो गुड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अगर गुड पॉलिटिक्स नहीं है तो संभावना है कि गुड गवर्नेंस की स्थिति उतनी अनुकूल नहीं रहेगी जैसे आप सोच रहे हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल जैसे नदियां होती है ना, अगर नदी जहां ग्लेशियर है वहीं ही ग्लेशियर ना हो तो नदियों में पानी नहीं होगा। तो नदियां इसलिए नहीं बहती हैं कि नदियों की जगह बनी है इसलिए बह रही हैं, नदियां इसलिए बहती हैं क्योंकि जो पीछे जो ग्लेशियर है, इसलिए जब ग्लेशियर ज्यादा हो, बड़ा हो, उसमें रिसाव बेहतर हो तो नदियों में पानी बना रहता है। उसी तरीके से गुड गवर्नेंस तब है जब गुड पॉलिटिक्स है। आपने गौर किया होगा कि मैं 1966 में चल रहा हूं और 1966 to 1970 के बीच में 4 साल प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था। क्योंकि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2003 में आया, पहले हम लोग उसको प्रशासनिक सुधार ही आयोग बोलते थे। बाद में जब 2003 में वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, तो वो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग हो गया, तो इसलिए वो प्रथम हो गया। जैसे वर्ल्ड वार में क्या था ना कि जब 1914 में वार हुआ ना, तो वो वर्ल्ड वार नहीं था, वो ग्रेट वार था। 18 तक चला, 1914 से 18 तक चला। और जब 1939 में फिर से एक विश्व युद्ध हुआ, तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, वो ग्रेट वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया और ये सेकंड वर्ल्ड वार। वैसे ही प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है, केवल प्रशासनिक सुधार आयोग से दूसरा आया तो वो प्रथम हो गया। और उसमें 1968 में आप देखेंगे, जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, लोकपाल को लेकर के और लोक आयुक्त के लेकर के चर्चा, ओके, लोकपाल और लोक आयुक्त को लेकर की चर्चा होते होते, जानते हैं वो एक्ट कब पारित हुआ, वो अच्छा तरह जानते हैं, अन्ना हजारे के आंदोलन जो दिल्ली में रामलीला मैदान में हुआ, उसके बाद वह मुहूर्त हो गया। 1968 से पहली बार बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया लोकपाल का, वहां से आप चले आइए और 2013-14 तक चले आइए, उतना ही छोड़ दीजिए, 2019 मार्च में पहला लोकपाल नियुक्त हुआ। 68 से लेकर 68 से लेकर 19 तक में 51 बरस का फर्क होगा। यानी कि जो लोकपाल, जो ओम्बुड्समैन, करप्शन के खिलाफ एक एजेंसी, एक बड़ी एजेंसी, बड़ी स्वतंत्र एजेंसी, ग्रेट एजेंसी, स्कैंडिनेवियन कंट्री में 1809 में था, 1809, उसे हम 2009 में, 2019 में प्राप्त कर पाए, पूरे कितने 210 बरस बाद। और आप कहते हैं कि हम किसी से कम नहीं है, भारत दुनिया का गुरु बनने जा रहा है, विश्व का गुरु। अरे तुम्हारे पास तो यार ठीक से एजेंसी तो है नहीं। और जो 1968 में जो प्रयास शुरू हुए, उस प्रयास में जरा सोचिए, कभी प्राइम मिनिस्टर अंदर रख रहे हैं, कभी बाहर रख, करते कराते आप ये 2013
13-14 में आकर के इसको मूर्त रूप एक एक्ट में दे पाए, जिसका 19 में नियुक्ति हुई। उस समय लोकसभा के चुनाव का अधिसूचना जारी हो चुकी थी, आचार संहिता लग चुकी थी, उसके बीच में यह नियुक्ति। अब देखिए, जब लोकपाल लोक आयोग दोनों चले 1969, ये मैं गुड पॉलिटिक्स की बात बता रहा हूं कि क्या इसे आप गुड पॉलिटिक्स बोलेंगे, लेकिन मैं वहीं पर आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संथानम का नाम आपने सुना होगा, पुरानी बात बता रहे हैं। 1962 में संथानम कमेटी का गठन हुआ। संथानम साहब ने करप्शन को लेकर के एक सीबीसी की बात कही, जिसको आप केंद्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसकी नियुक्ति 1964 में। सीबीसी है, सीबीआई है, बहुत सारे हमारे पास आयंगर कमेटी से लेकर अब तक चले आए जो सिफारिशों के तहत बनी एजेंसियां हैं, वो सब या आयोग हैं, वो सभी देश में गुड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लाई गई थी। लेकिन लोकपाल और लोक आयोग, जो कि करप्शन के टॉप टू बॉटम जो करप्शन था उसको नियंत्रित करने के लिए जो एक नियमित रूप ले लिया था, के लिए हमें इस तरीके की संस्था की जरूरत थी, जो आपने अभी हाल फिलहाल जैसे मैंने बताया कि गठन किया। 1969, ओडिशा पहला प्रांत है जिसने लोक आयुक्त का बिल पारित किया, लोक आयुक्त बनाने के लिए, क्योंकि राज्यों में लोक आयुक्त और केंद्र में लोकपाल। आप जरा कल्पना करिए कि उड़ीसा को आप एक गुड पॉलिटिक्स के तौर पर देख सकते हैं। उस दौर में एक गुड पॉलिटिक्स किया ना उसने, कि जब प्रशासनिक सुधार आयोग की जो सिफारिश थी उसको ध्यान में रख करके उसने अपना एक बिल पारित कर दिया। महाराष्ट्र पहला प्रांत है जिसने लोक आयुक्त की नियुक्ति, बिल तो पारित किया था उड़ीसा ने, लेकिन लोक आयुक्त की नियुक्ति करने में टाइम लगा दिया। महाराष्ट्र बाद में बिल पारित किया, लेकिन महाराष्ट्र ने नियुक्ति पहले कर दी। ये सभी गुड पॉलिटिक्स की लिस्ट जो स्टेट्स ने इसमें इनिशिएटिव लिया और तेजी से काम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जैसे हमने कहा कि अप्रत्यक्ष तौर पर जो आप प्रतिनिधि आप भेजते हैं सीधे, वो आप ही पे सत्ता करते हैं, वो गुड पॉलिटिक्स बेहतर नहीं कर पाने की स्थिति में या उनका विजन क्लियर नहीं हो पाने की स्थिति में गुड पॉलिसी का अभाव हो जाता। आप जानते हैं कि हर चौथा व्यक्ति हमारे देश में अशिक्षित है, तो हर चौथा व्यक्ति पार्लियामेंट में अशिक्षित पहुंच सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अशिक्षित समाज में अशिक्षित लोग बेहतर गवर्नेंस नहीं करते, अगर ऐसा होता तो अकबर कभी ग्रेट नहीं बनता, क्योंकि वो तो अनपढ़ था। जो एक विजनरी थिंकिंग है, एक जो मैनेजरियल अप्रोच होती है, उसके बगैर गुड पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। और जो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, एक अनुभव मूलक दृष्टिकोण के बगैर गुड गवर्नेंस नहीं हो सकती। गुड पॉलिटिक्स एक पॉलिसी अप्रोच, इकोनॉमिकल अप्रोच, मैनेजरियल अप्रोच, लेकिन गुड गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, एजुक्यूशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, जैसे पुल बनाने वाला एक्सपर्टाइज होगा, डॉक्टर एक्सपर्टाइज होंगे, लेकिन हॉस्पिटल की जरूरत है, विश्वविद्यालय की जरूरत है, शिक्षालय की जरूरत है, सड़क की जरूरत है, ये जो पॉलिसी मेकर हैं इनको इसमें पारंगत होना चाहिए। पढ़ा लिखा मैं नहीं बोल रहा हूं, पारंगत। देखे होंगे घरों में अनपढ़ माँ बाप भी अपने बच्चों को बड़ी अच्छी परवरिश दी है, उनके बच्चे कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, भोर में 4 बजे उठ उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया, भले ही वो अनपढ़ है, बट कहते वो पढ़ने के लिए उठो भाई, भोर में ज्यादा समझ में आता है, मैनेज करना है, वही बच्चे आगे निकल गए। तो जो मैंने ये सिस्टम बताया, आगे चल के इसको आप देखते जाएंगे,
जैसे इमरजेंसी देश में ये गुड पॉलिटिक्स, अगर इमरजेंसी सरकारें अपने हितों को सुनिश्चित करने के लिए लगाती हैं, जिसमें जनहित का कोई बहुत बड़ा सरोकार ना होती, ये गुड पॉलिटिक्स नहीं है। पंचवर्षीय योजनाएं देखिए, ये सब गुड पॉलिटिक्स का नतीजा है। बेहतरीन पॉलिसी जैसे 370 को हटाना गुड पॉलिटिक्स है, तलाक पर कानून बनाना गुड पॉलिटिक्स है। लेकिन एक चीज अटका हुआ है कि एनपीआर एनआरसी ये सब पे जो विवाद खड़ा हुआ, यह अगर एक बेहतरीन पॉलिसी थी तो एग्जीक्यूशन इसका देश में बेहतर होना चाहिए। लेकिन जिस देश में डाइवर्सिटी हो, समाज बटा हो, वहां पर सब तक उस पॉलिसी का साझा समझ एक जैसा जाए कोई जरूरी नहीं। यही कारण होता है कि कभी कभी गुड पॉलिटिक्स के बीच में भी डाइवर्सिटी जो चीजें होती हैं वो एक दो तरफा संवाद नहीं करने देती, बल्कि एक विवाद क्रिएट करती। इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया और संवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद, थीसिस एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। तो जो थीसिस कोई चीज लाएगी, कोई वाद आया उस पर प्रतिवाद हुआ, लेकिन प्रतिवाद के बाद संवाद होना गुड पॉलिटिक्स एंड गुड गवर्नेंस। जैसे आपने देखे होंगे कि ये एंटीथीसिस तो हो गया बट सिंथेसिस नहीं हो, इसलिए यहां पर गुड पॉलिटिक्स नहीं कही जाएगी। और गुड पॉलिटिक्स नहीं तो गुड गवर्नेंस नहीं, फिर तो शाहीन बाग होगा, कोई ये होगा, कोई वो होगा। तो कहीं ना कहीं एक नरेटिव जो एक एस्पेक्ट है पॉलिसी का, वो गुड पॉलिटिक्स एंड गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस तो बाद में आएगा एग्जीक्यूशन के समय, गुड पॉलिटिक्स पहले। इसलिए आप सरकार को कभी कभी फंस जाती है, सरकारें भी गुड पॉलिटिक्स करती हैं लेकिन लोगों को समझा नहीं पाती। जैसे आपने इसमें देखे होंगे जो जनसंख्या में जो नागरिकता का जो बदलाव थोड़ा किया गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश के गैर मुस्लिम को जो नागरिकता देने की बात आई, इसमें देखिए देश में कितने बवाल हुए। हो सकता है कि इसका एग्जीक्यूशन एक गुड गवर्नेंस हो बट यहाँ पर हो, और पॉलिसी भी गुड पॉलिटिक्स की ही देन, लेकिन चूंकि विवाद गहरा गया इसलिए अब ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक उथल पुथल की स्थिति पैदा। हालांकि कानून बन चुका है और इसीलिए कहा जाता है कानून इन्फोर्समेंट होता है, कानून इन्फोर्स किया जाता है। कानून आपके मानने नहीं मानने से नहीं चलता है। अगर आप हेलमेट पहन के नहीं जा रहे हैं तो ये चालान कट सकता है, काटने वाला चाहे तो काट सकता है। वो तो ठीक है, आपने थोड़ा जी हुजूरी किया छोड़ दिया, बट काट सकता है क्योंकि लॉ जो होता है हमेशा इन्फोर्स किया जाता है। लॉ आपकी सहमति से, आपके मूड से नहीं चलता है। इसलिए जो नागरिकता संशोधन हुआ है कानून में, उसमें गवर्नमेंट चाहेगी तो लागू करेगी, कानून है तो लागू करेगी। कानून बना के लागू ना करे अलग बात है। बहुत सारे कानून ऐसे पड़े थे, मोदी जी ने हटा भी दिए उसको। जैसे हेलमेट काटने का, वो हेलमेट बिना पहने चलने का है, लेकिन चौराहे पे सिपाही नहीं, आप बिना हेलमेट के जा रहे हैं और खड़ा भी है, उसका मन नहीं है काटने का तब भी, लेकिन वो चाहेगा तो इन्फोर्स कर सकता है। पंचायती राज व्यवस्था गुड पॉलिटिक्स, सामुदायिक विकास कार्यक्रम गुड पॉलिटिक्स, अलबत्ता वो फेलियर हो गया। 2 अक्टूबर 1959 का पंचायत नागौर से जो चला, गुड पॉलिटिक्स। 73वां संविधान संशोधन, गुड पॉलिटिक्स। गुड पॉलिटिक्स तो ग्राम सुशासन, ग्राम स्थानीय सुशासन या नगर में जो स्थानीय व्यवस्थाएं आई 74वें संविधान संशोधन के तहत, ये सब गुड पॉलिटिक्स के परिणाम थे। उदारीकरण गुड पॉलिटिक्स, लेकिन नोटबंदी कैसे था ये सोचने वाली बात। तो जो भी चेंज आप लाते हैं, आपको मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, अब आप इसमें 10 चीजें स्वयं जोड़ सकते हैं कि गुड पॉलिटिक्स गुड गवर्नेंस को आगे बढ़ाता है। इसलिए डानहम ने क्या कहा है, यदि हमारी सभ्यता नष्ट होती है तो ऐसे प्रशासन के कारण होगा। और प्रशासन में कहा जाता है कि सरकार वो अच्छी जिसका प्रशासन अच्छा।
सरकार वो अच्छी जिसका प्रशासन अच्छा, और अगर सभ्यता नष्ट होती तो ऐसा प्रशासन के कारण होगा। इसलिए प्रशासन को नियमित और नियंत्रित करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, अधीक्षण करने के लिए, निर्देशन के लिए, आदेश के लिए जिम्मेदार सरकार होती है, और जो सरकार पॉलिसी देती है उसे जनहित को सुनिश्चित करने के लिए लागू करना प्रशासन का काम होता है। और अगर प्रशासन ने जनहित को सुनिश्चित नहीं किया तो गवर्नेंस तो हो सकता है, गुड गवर्नेंस नहीं हो सकता। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है, गवर्नेंस तो कहीं भी हो सकता है। गवर्नेंस तो लीबिया में भी था, गवर्नेंस तो इराक में भी था, गवर्नेंस तो उत्तर कोरिया में भी है, लेकिन गुड गवर्नेंस कहीं कहीं। तो हमारा प्रशासन अगर हमारी सभ्यता को बचाता है, जैसे कि कोरोना वायरस के इन दिनों में हमारी सभ्यताएं खतरे में, पब्लिक के अप्रोच में हो, पब्लिक के लिए हो, आप नजरिया समझ रहे होंगे ना बात को। तो आज बच्चा हम कुछ गुड गवर्नेंस की जो कमियां हो जाती, जो गुड पॉलिटिक्स में कमियां आती, यानी पॉलिटिक्स जब गुड नहीं होती है, जैसे लोकपाल का एग्जाम्पल दिया कि अगर उस दौरान ही है ना, उस दौरान ही लोकपाल ला दिया गया होता, जैसा कि लोक आयुक्त कुछ राज्यों ने लाया, आज भी भारत में खंगाल लीजिएगा, लोक आयुक्त नहीं है, उत्तराखंड में भी लोक आयुक्त की नियुक्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश का केस सुने होंगे, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, लोक आयुक्त के लफड़े में सुप्रीम कोर्ट ने लोक आयुक्त नियुक्त कर दिया था। हम लोगों ने ये पहली बार जाना कि अगर राज्य सरकारें किसी पद पर जैसे लोक आयुक्त नियुक्ति नहीं कर रहे तो सुप्रीम कोर्ट नियुक्त कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त कर दिया और रह गए ऐसे ही तड़फड़ा के। तो आज भी बहुत सारे राज्यों में लोक आयुक्त नहीं है, जैसे कि मैं उदाहरण दिया उत्तराखंड में भी नहीं है। नई सरकार जो गठित हुई ये अपने वादा किया था कि हम जैसे आएंगे 100 दिन के भीतर लोक आयुक्त लाएंगे बिल, और 10 दिन के भीतर लाए थे, उसके बाद वो खत्म हो गए। 3 साल से ज्यादा की सरकार हो गई, लोक आयुक्त चला गया डब्बे में। अब आती है बात की जब ऐसी चीजें नहीं होंगी तो क्या करना पड़ता मालूम है? देखो, करप्शन बढ़ेगा, समस्या बढ़ेगी, जनहित सुनिश्चित नहीं होगा, गुड गवर्नेंस नहीं होगा। गुड गवर्नेंस नहीं होने का मतलब है कि गुड पॉलिटिक्स नहीं है, गुड पॉलिसी नहीं है। जैसे प्रशासन अच्छा नहीं तो सरकार अच्छी नहीं, और प्रशासन अच्छा तो सरकार अच्छी, सब ऐसे बद्धता है उसमें, आपस में लिंक है। इसलिए इसको लेकर के कोई भी बहुत बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। तो हमने जैसे सिटीजन चार्टर बताया, जनाधिकार, अब जनाधिकार आप बना भी दें लेकिन उसको लेकर के आपके अंदर अगर कोई दृष्टिकोण पॉजिटिव आए ही ना, जैसे एक विद्यार्थी ने पूछा कि इसको तो सिर्फ कानून का रूप दिया नहीं गया, कल मैंने थोड़ा समझाने का उसमें प्रयास किया, तो इसके लिए क्या करना चाहिए देखे होंगे, मैंने कहा एक नई आवाज। वैसे मैं आपको बताऊं, जो आपके पेपर में एथिक्स है ना, वो भी एक नई आवाज, हम उसको बोलते नई आवाज, जो आपके अंतरात्मा की आवाज है, कभी आपने सुना नहीं ठीक से, उसको सुनिए, वो है न्यू वॉइस, नई आवाज। एथिक्स क्या है, ईमानदारी क्या है, है तो पुराना मसला बट आवाज उठ गई है, इंटीग्रिटी उठ गई है, जो आपके एथिक्स का मुद्दा है उठ चुका है। सती सावित्री की और ध्रुव की कहानियां बचपन में जो सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो वहां से हम लोगों का जो नैतिक पाठ का चलन था, जो रास्ते में भटक गए थे, फिर से वही चीज एक नई आवाज के रूप में हमको हमारे कानों में जा रही है। फिलहाल ये नई आवाज कौन है? नई आवाज है सिविल सोसाइटी। जब हमारे यहाँ गुड पॉलिटिक्स नहीं होती है, गुड गवर्नेंस नहीं होता है, तो सिविल सोसाइटी एक नई आवाज होती है। तो सिविल सोसाइटी क्या है? सिविल सोसाइटी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये ना कोई दरिया है आग का, ना इसको आपको पार जाना है, सिर्फ आवाज लगाना है। सरकार जहां ना पहुंच पाए, समझ रहे हैं ना, नागरिकों की सहायता करती हैं संस्थाएं सरकार, और जहां सरकार ना पहुंचे वहीं से उठने वाली आवाज, उनके लिए लगाई गई आवाज, सभ्य समाज, पढ़ा लिखा वर्ग, जहां सरकार नहीं पहुंचती
उनके लिए जो आवाज लगाती है वही सिविल सोसाइटी, बहुत छोटी सी बात है। यही सरकार लोकपाल को लेकर के नहीं पहुंच पा रही थी भारत के पूरे क्षेत्र, तो अन्ना हजारे ने एक आवाज लगाई। आप चले जाएं 68 में लोकपाल की चर्चा है, पहुंच नहीं रहा, तो अन्ना हजारे साहब ने उसको पहुंचाने का प्रयास किया। तो जो किया वो सिविल सोसाइटी, केजरीवाल थे, किरण बेदी थी, और भी वो क्या भूषण पिता पुत्र ये सब थे, एक लोकायुक्त पहले के थे उधर कर्नाटक साइड के वो थे, ये सभी लोग पढ़े लिखे वकील समझदार, और एक झंडे के तले आए और सरकार से बार्गेनिंग करते थे। इसको बोलते सिविल सोसाइटी। हीगल अगर बात करें कि ये सबसे मतलब पहले कौन परिभाषित किया, एक ऐसा समाज जहां मानवीय खुशियों को बढ़ावा दिया जाता है, एक ऐसा समाज जहां मानवीय खुशियों को बढ़ावा दिया जाता है, और अगर ऐसी खुशियों को सरकार बढ़ावा ना दे पाए तो एक सिविल समाज को सामने आना पड़ता है। हीगल का दर्शन है कि राज और नागरिक समाज के मध्य है ना, राज और नागरिक समाज के मध्य एक अंतर भी स्थापित किया है और इसको परिभाषित भी किया, ऐसा समाज जहां मानवीय खुशियों को बढ़ावा दिया जाता है, अगर माना सरकार वहां पर पहुंच नहीं पाती है, तो एक ऐसा समाज जो सिविल सोसाइटी है वो एक आवाज देता है। यह बात समझ लीजिएगा कि यह खुशी देगी तो सरकार ही, लेकिन इसका सूत्रधार बन जाता है सिविल समाज, क्योंकि कानून सिविल समाज नहीं देता है, कानून कोई भी समाज नहीं देता है, कानून तो सिर्फ जो विधायिका है हमारी, व्यवस्थापिका है हमारी, जो हमारी सरकार है वही देती है। शासन और सरकार ही देगी कानून, प्रशासन उसको लागू करेगा, वही जनता के हित में जाएगा, लेकिन जनता के हित में अगर खुशियां ना पहुंच रही हो, जनता को जरूरी चीजें ना मिल रही हो, तो एक सिविल समाज आवाज लगाता है। वह आवाज लगाता है, दबाव बढ़ाता है, करने के लिए आपको एक प्रकार से कहा जाए कि ताना बाना बुनता है, देश का मत उसमें नहीं होता है, देश का मत तो सरकार में, लेकिन देश का अगर मन उसमें है, ध्यान दीजिएगा, देश का मत सरकार के पास होता है, लेकिन सिविल समाज के पास देश का मन हो सकता है। जैसे सरकार के पास 272 का आंकड़ा होती है तो वो देश का मत हो जाता है, वैसे ही सिविल समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों कुछ लोगों का मन हो जाता है, तो क्षेत्र विशेष के लिए, देश विशेष के लिए, राज्य विशेष के लिए, समाज विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए ये जो समाज तैयार होते हैं वो उन जन का मन हो जाते हैं, और यही मन लेकर के एक लीडर, एक सिविल सोसाइटी उन सरकार के पास जाती है जो खुशियां बांटते समय उनको वंचित कर दिया था। अगर खुशियां बांटते समय कोई वर्ग, कोई समाज, कोई क्षेत्र, कोई प्रांत, देश ही सही, अगर वंचित रह जाता है और उसको लेकर के बहुत सारा एक मन को इकट्ठा करके चंद लोग नेतृत्व देते हैं और सरकार से गुहार लगाते हैं, सरकार पे दबाव बनाते हैं, दबाव समूह का काम करने लगते हैं, तो सरकार को ये बताने का प्रयास होता है कि जो आपको ये ड्यूटी थी ना वो आपने पूरा नहीं किया है, और जो खुशियां इस वर्ग को भी बांटनी चाहिए उसका अधूरा है,
मिलेगी तो सरकार के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, शासन ही खुशियां देगा। अब इतना बड़ा देश है, अगर कोई वंचित हो गया तो सिविल समाज का होना लाजमी है। क्यों है? देखिए, ये अधिकार तो हमको संविधान ने ही दिया है, ठीक है ना, ये अधिकार हमको संविधान ने ही दिया। और संविधान जब हमको ये अधिकार, ये स्वतंत्रता, ये लोकतांत्रिक मान्यता, ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का पूरा ताना बाना प्रकटीकरण कर चुका है, तो कोई वर्ग, चाहे वो गरीबी के कारण, अनपढ़ होने के कारण, सरकार से सरोकार न होने का, क्योंकि सरकार भी तकनीकी रूप से अगर नहीं पहुंच रही है, सरकार या विजनरी उतनी नहीं है, सरकार किसी और एंगल से चीज नहीं समझ पा रही है, तो सिविल समाज उसको थोड़ा चौकन्ना करता है। लेकिन आफ्टर ऑल काम सरकार ही करती है। जैसे देखे होंगे राइट टू रिकॉल, सरकारें अच्छा काम ना करें तो उनको वापस बुला लो, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह की बात है, ठीक है ना। नोटा की बात, नोटा होता है ना कि जब चुनाव में किसी को नहीं देना तो नोटा दबा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जिस कैंडिडेट को आप टिकट दे रहा है राजनीतिक दल, उसके पूरे बारे में, उस क्षेत्र विशेष में कम से कम 3 बार बताया जाना चाहिए, 3 बार, ताकि जनता को पता चल सके। जनता को नहीं मालूम है वो किसको वोट देने जा रही है। आपने कोई पार्टी का एक कैंडिडेट आया, आपने उस पार्टी को पसंद किया, कैंडिडेट को पसंद कर लिया, जबकि कैंडिडेट हो सकता है कि किसी तरीके से आपके समाज के हिसाब से उतना साफ सुथरा व्यक्ति ना हो। यही कारण है कि आप जाके रिपोर्ट को देखिए तो 1/3 सदस्य क्रिमिनल मिल जाते हैं जो पार्लियामेंट में, और कई सदस्य तो ऐसे होते जिन पे बलात्कार, डकैती और हत्या तक का केसेस दर्ज होते, क्योंकि उनके बारे में जानकारी नहीं है। और आप पार्टी के आधार पर वोट देते हैं तो उनका जाना लाजमी है। तो पार्टियों की ड्यूटी दी गई कि 3 बार बताइए, फिर जनता क्या डिसाइड करती जाए। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है इसको नहीं चुनना, किसी को नहीं चुनना, तो आप नोटा दबा दीजिए। ये कहीं ना कहीं ये जो सिविल समाज के आवाजें रही हैं, इस पर बने हुए जो व्यवस्थाएं रही, उनका यह परिणाम है। आज राइट टू रिकॉल की चर्चा होती है सरकार को वापस बुलाने की, इस पर भी सिविल समाज ही आवाज उठा रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि नागरिक समाज और सुशासन कैसा है। जाहिर सी बात है आप समझ चुके हैं कि गुड गवर्नेंस अगर लोगों के एक एक आवश्यकता की पूर्ति के चलते विकसित होता है, और उसी आवश्यकता में अगर शासन प्रशासन अधूरे पड़ जाएं, और सिविल समाज, चाहे एजेंसी निर्माण हो, चाहे वर्ग विशेष की बात हो, चाहे देश विशेष की बात हो, चाहे समाज विशेष की बात हो, चाहे राज्य विशेष की बात हो, चाहे क्षेत्र विशेष की बात हो, को लेकर के जब आवाज उठाते हैं, जब दबाव बनाते हैं, शासन और सत्ता को उस नीति की ओर अग्रेसित करते हैं, अभिप्रेत करते हैं, तो ऐसा काम सिविल समाज करता है। और यह सिविल समाज ऐसा करके गुड गवर्नेंस को स्थापित करता है, उस जनता को वो हिस्सा दिलाता है, उस जनता को, समाज को, उस राज्य को विकास दिलाता है, ठीक है। आपने देखे होंगे झारखंड हो, उत्तराखंड हो, बहुत सारे राज्यों के लिए बहुत सारे आंदोलन होते थे, राज्य निर्माण के लिए तमाम तरीके के दबाव समूह आते थे, विद्यार्थियों का समूह है, युवाओं का समूह है। आपने देखे होंगे कि किसानों की कोई समस्या है तो किसान रामलीला मैदान में 17-17 स्टेट्स के किसान चले जाते हैं। महिलाओं का अगर कोई प्रॉब्लम, जैसे देखे होंगे हैदराबाद का जो केस हुआ था, या निर्भया केस को देखिए, वो उसमें कानून में परिवर्तन किया गया कि नहीं किया गया? किया गया। तो ऐसे में जो समाज होता है, उसका जो मन होता है, उसको नेतृत्व देने वाला, कहते हैं ना, मन का नेतृत्व देने वाला सिविल समाज है और मत का नेतृत्व करने वाला शासन है। तो शासन कब सुशासन होगा? जब मन की बात को समझेगा। मोदी साहब मन की बात करते हैं,
मोदी साहब जो मन की बात करते हैं वो देश की बात करते हैं, क्योंकि देश उनमें है ना, क्योंकि वो तो सरकार है। अगर वो नदियों की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, परीक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो वो मोदी जी भले ही अपने मन के, लेकिन वो पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, इसलिए वो पूरे देश के मन की बात हो गई। लेकिन जो आंदोलन होता है उसका स्वरूप कैसा है, जैसे निर्भया केस पूरे देश के मन की बात थी, जिसके लिए आपने रेयर एंड रेयरेस्ट केस में आपने देखे फांसी किया और 7 महीने के भीतर सजा सुनाया। हैदराबाद केस में भी देखे होंगे, निर्भया के केस को लेकर जो फांसी नहीं हुई थी हैदराबाद केस के कारण, है ना, उसमें बड़ी तत्परता आई, कई रुकावटें आई, आफ्टरऑल उन सभी को फांसी हुई, क्योंकि एक केस ने यह बताया कि अरे अभी तो एक केस ऐसे फंसा हुआ है, लोग तो जेल में, उनको तो फांसी नहीं हुई। तारीख पे तारीख, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, आपने देखे होंगे तारीख जनवरी से तय हो रहा था फांसी की सजा, आफ्टरऑल जाकर 20 मार्च को। तो ये सब चीजें जो तय की जाती हैं, इनमें क्या ये गुड गवर्नेंस है? सुप्रीम कोर्ट जो काम करता है, जो निर्देश देता है, जो निर्णय देता है, अगर कहते हैं ना कि आप रामायण को देखिए, राम ने भी कहा है एक जगह पे, रामायण में पढ़िए कि देर से जो न्याय होता है वो स्वयं में एक अन्याय है, ये कहा जाता है। तो देर से न्याय जो है ना, ये गुड गवर्नेंस नहीं है, ये तो अनजस्टिस है। अनजस्टिस कैसे गुड गवर्नेंस हो सकता है? तो इसलिए न्यायिक जो न्यायालय है, न्यायाधीशों की संख्या है, त्वरित न्याय की बात है, ये सब तमाम चीजों की व्यवस्था गुड गवर्नेंस का ही परिचय है। तो नागरिक समाज और सुशासन, समाज को खुशियां चाहिए, समाज को उसकी जरूरत चाहिए, जैसे बीमार को इलाज चाहिए। आप प्रतियोगी हैं, आपको पढ़ाई चाहिए, आप प्रतियोगी हैं, आपको लिखना आना चाहिए, आपको परीक्षा में सही से नंबर के लिए तैयार होना चाहिए। हर किसी की अपनी डिमांड, आप अगर कल सेलेक्ट हो जाए खुशी मिली कि नहीं, एक बीमार व्यक्ति जो कोरोना से ग्रस्त ठीक होके आता है खुश होता है कि नहीं, किसी भूखों को भोजन मिल जाए तो खुश होता है कि नहीं। तो सभी लोगों को सब खुशियां तलाशते हैं, और खुशियां जब किसी के हिस्से में जो शासन की जिम्मेदारी है नहीं मिलती है, तो सिविल समाज उठ खड़ा होता। तो यहां पर अंतर समझ लीजिएगा, सरकार शासन मत से चलती है, सिविल समाज मन से चलती है। जनता वही हो सकती है, एक का मत है उनके साथ, एक का मन है उनके साथ, और मन वाला कानून नहीं बना सकता, मत वाला संवैधानिक उसको कानूनी अधिकार है कानून बनाने का, तो उसके कानून से सुशासन आएगा, लेकिन मन वाला उस पर दबाव बनाता है, जो सिविल समाज है। ठीक हो गया। अब देखिए, अगर मन के दबाव से मत वाला कानून बनाता है तो कानून बेटा कैसे भी बने, चाहे दबाव से बने, खुद की सोच से बने, गुड पॉलिटिक्स। देखिए, आफ्टर ऑल एल्टन मेयो कहता है, एल्टन मेयो ऑस्ट्रेलिया का एक विचारक है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का, हाथोन प्लांट शिकागो में 5 साल तक रिसर्च किया 24,000 कर्मचारियों पे, उसमें साफ साफ लोगों को समझाया बताया और पाया, निष्कर्ष क्या पाया कि बंद कमरे में हम क्या करते हैं ये मैटर नहीं करता, क्या परिणाम निकलता है ये मैटर करता है। जैसे मैं कैसे पढ़ाता हूं, कितना पढ़ाता हूं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि मेरे पढ़ाने वाले विद्यार्थी आईएएस पीसीएस कितने बने। अगर आप आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, तब हमने कैसे पढ़ाया, कितना पढ़ाया, कोई मायने नहीं रखता। मेयो ने कहा प्रक्रिया मायने नहीं रखती, परिणाम मायने रखता है। एक तैराक जब प्रतियोगिता में जाता है तो कैसे तैरा मायने नहीं है, समय से सबसे पहले पहुंचा। एक धावक कैसे दौड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो समय से पहुंच। देखे होंगे कभी कभी एक बॉलर बॉल फेंकता है, दूसरा उसको स्टंप के पास रोक नहीं पाता और
क्रीज के बाहर चली जाती बॉल और एम्पायर 4 रन एक्स्ट्रा दे देता, वो खाते में जुड़ गया। रन कैसे आया, जो रन बनाने आया है उसको चिंता नहीं होती, उसको चिंता होती रन मिलना चाहिए। बल्ला इधर चलाया, बॉल उधर चली गई, फिर भी रन मिल गया। प्रक्रिया नहीं देखना, परिणाम देखना। आप समझ गए ना? इसलिए जब हम देखते हैं कि सरकार ने, गवर्नेंस ने कानून बना दिया, तो कानून रामलीला मैदान में इतने लोगों की इकट्ठा करके दबाव के कारण बना या सिर्फ ऐसे ही हल्के अंदाज में बन गया, दोनों मैटर नहीं करते। मैटर करते हैं कि जिस वो परिणाम क्या निकला, और परिणाम ये निकला कि जो गवर्नेंस को खुशी देनी चाहिए थी वो दे दिया। अब दिया कैसे ये मायने नहीं रखता। जब सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम देने जाते हैं ना, तो सभी लोगों को एक पेपर मिलता है, एक आंसर शीट मिलता है, और सभी लोगों को अपनी अपनी जगह मिलती है बैठने। कोई पैदल आया होगा, कोई टेम्पो से आया होगा, कोई स्कूटर से आया होगा, कोई कार से आया होगा, कोई नाश्ता करके आया होगा, कोई जूस पी के आया होगा, कोई समोसा खाया होगा, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपने मेरिट के हिसाब से उसमें सवाल सही किया कि नहीं। जूस पी के भी सही नहीं कर सकते और भूखे पेट भी सही किया जा सकता। अगर आपने सही किया और आप सिलेक्ट, तो ये मायने नहीं रखता है कि तो खाली पेट थे, ये तो जूस पी के आए थे। प्रक्रिया कोई मायने नहीं रखती। इसलिए प्रतियोगी, बहुत सारे प्रतियोगी का जो, जैसे कहते हैं ना एस्पिरेंट्स, वो गुड एस्पिरेंट क्यों नहीं, गुड कॉम्पिटिटर क्यों नहीं, क्योंकि वो रिजल्ट के बजाय प्रोसेस उलझे रहते। नोट्स कितने भी अच्छे ले लीजिए, आप अगर लिख ही नहीं पाते तो आपका एग्जामिनर तो आप जो लिखे हैं वो देखेगा ना, नोट्स दिखाएंगे उसको। आप किताब संविधान की कितनी भी ले लीजिए, जो संविधान में क्वेश्चन पूछा वो सही है कि नहीं है, वो चाहे आपने एक गाइड से ही सही कर दिया हो। आप कोचिंग कितना भी तूफान कर लीजिए, 4 कोचिंग ले लीजिए, अगर आप वहां सवाल नहीं सही कर रहे हैं तो नंबर तो सवाल पे देगा ना। प्रक्रिया कोई मायने नहीं रखती यार। 1,000 का कमरा किराए पे लो या 5,000 का, सवाल यह है कि सवाल क्या सही की। आपकी सुविधा, आपकी पुस्तक, आपके जो जीवन शैली है, आपका हष्ट पुष्ट होना, आपका बड़ा सुंदर लगना, ये सब एग्जाम से कोई लेना देना। वहां तो जो डिमांड है उसको सप्लाई किया कि ठीक वैसे गवर्नमेंट ने वो काम किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया, आप ये तो नहीं कर सकते ना, घर में जाइए, कई लोग जाए घर पे कहें हम तो बहुत पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे, दिन में पढ़ते थे, सोए ही 4 घंटे, ये किताब वो किताब, फलाना किया, ढिमका किया, खूब आप कहानी बताइए, फिर एक शब्द आपके पिताजी यही पूछेंगे, रिजल्ट निकला क्या हुआ? हाँ, रिजल्ट निकला क्या हुआ? अब आप अगर मान लो नहीं हुआ है संयोग से, दुर्भाग्य से, तो आप कहेंगे पिताश्री इस बार भी नहीं हुआ। वो कहेंगे यार अब तुम इतना पढ़ते हो, ये कहते हो, वो कोचिंग लेते हो, यहां जाते हो, वो किताब बताते रहते हो, तो उससे हमको क्या मतलब, हमको मतलब, हमें तो भैया रिजल्ट का पता है कि नहीं। वो सीधा रिजल्ट की बात करे, प्रक्रिया की बात नहीं करते। क्या समझे? प्रक्रिया की बात नहीं। राम जब वन के लिए गए ना, तो लंका कैसे पहुंचे, पुल बनाए, फलाना किए, ढिमका किए, सारा कहानी है उसमें। लोग कहते हैं राम ने रावण को मारा, राम पुल बनाए, राम ने ये किया, राम ने वो किया, राम इतने कष्ट सहे, इस प्रक्रिया की चर्चा कोई नहीं करता। उनकी शक्ति का आकलन होता है रावण को मारने से, पुल बनाने से तो शक्ति का, अगर पुल बना लिए तो पुल क्यों बनाए थे, क्यों बनाए पुल? जब कोई राक्षस को मारते थे, किसी संत को बचाते थे, तब उनकी शक्ति का पता चलता था। लड़े खूब,
लड़े पूरे राक्षस प्रजाति से, और फिर भी राक्षस रहे और संत परेशान रहे, कहें राम लड़े तो थे बहुत बहुत लड़े थे भाई, क्या करें, जितनी सामर्थ्य थी पूरी लगाए थे। अरे लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं यार, तुम प्रक्रिया मूल्य हो। तो सिविल सोसाइटी जब गवर्नेंस को प्रभाव से, दबाव से, जनमन से, जनमत को जनता की ओर झुका देती है, तो लोग जो झुकी है, जो कानून बना उसको देखते हैं कितना झुक के बनाए। निर्भया केस में हम लोग ये जानते हैं, उस समय शिंदे साहब, सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री थे, सबके माथे पे बल थे, क्या किया जाए, बहुत बड़ा आंदोलन हो गया, देश को बचाना भी है, महिलाओं की रक्षा के लिए भी हमको कदम उठाना है, और इन आंदोलनकारियों के बीच भी बार्गेनिंग करनी है, क्या करें, जो बन पड़ा किया ना। आज लोग ये नहीं देखते कि भीड़ कितनी थी, उनके माथे पे बल कितना था, ये देखते हैं कि उन्होंने निर्णय क्या लिया। तो प्रक्रिया नहीं, परिणाम। तो सिविल सोसाइटी क्या करती है? सिविल सोसाइटी प्रक्रिया का नाम नहीं है, और शासन प्रक्रिया का नाम नहीं है। महिलाओं को आरक्षण 33% कब से दे रहे हैं आप? हम इस प्रक्रिया पे किसी शासन का पीठ थपथपा सकते हैं? नेवर। 1968 से आप लोकपाल लेके चले आए, लेकिन कहूंगा तो मैं मार्च 1919 में ही गठित हुआ। उस प्रक्रिया को कितना ताकत दे सकते हैं? अरे उस प्रक्रिया से तो आपकी कमजोरी ही झलकती है, क्या समझे? मोदी साहब ने 25 मार्च 24 मार्च को रात 12 बजे देश को लॉकडाउन कर दिया, क्या समझे? हमको इतना पता है कि देश में 25 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। उन्होंने कैबिनेट बुलाई, मंत्रि परिषद बुलाया, फलाना से क्या पूछा, ढिमका से क्या किया, कोई लेना देना नहीं। थोड़ा सा डिफिनीशन के साथ इसको लिखिए, लिखते हुए इसको क्लियर करते। सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन जिसको आप हल करेंगे, क्वेश्चन के साथ इसको लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, प्रशासन को उत्तरदायी बनाने में, प्रशासन को उत्तरदायी बनाने में, रिस्पॉन्सिबल बनाने में, नागरिक समाज, नागरिक समाज किस प्रकार भूमिका निभा रहा है? नागरिक समाज किस प्रकार भूमिका निभा रहा है, और आगे भी किस प्रकार रोल कर रहा है, और आगे भी यह चुनौतियों से कैसे निपटेगा? कथन की विवेचना की, स्टेटमेंट को ठीक है आगे लिखें। एक क्वेश्चन और लिखें, नागरिक समाज और लोकतंत्र का गहरा संबंध है, सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी का गहरा संबंध है। यह एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यह एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शासन प्रशासन पर इनका दबाव और प्रभाव जनहित को ध्यान में रखकर होता है, जनहित को ध्यान में रखकर होता है, ठीक है, ओके। रिव्यू कीजिए, कथन की समीक्षा कीजिए, ठीक, कथन की समीक्षा कीजिए।
क्वेश्चन अब आइए थोड़ा सा उसमें आइए। सबसे पहले लिखिए नागरिक समाज क्या है, व्हाट इज सिविल सोसाइटी। यह राज्य और बाजार, राज्य और बाजार से अलग क्षेत्र है। बाजार राज्य और बाजार से अलग क्षेत्र है जो धीरे धीरे विकसित हो रहा है, अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ है। ठीक है ना, अभी यह पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है, विकसित हो रहा है। इसका एक सीमित उद्देश्य होता है, बेपरवाह नहीं है, एक कार्यक्रम है इसका, इसका एक सीमित उद्देश्य है। जहां सरकार नहीं पहुंच पाती, जहां सरकार नहीं पहुंच पाती, वहां पहुंचाने की यह एक आवाज है, वहां पहुंचाने की यह एक आवाज है। इसे देश विशेष की सामाजिक पूंजी भी कहा जाता है, सोशल कैपिटल। इसे देश विशेष की सामाजिक पूंजी भी कहा जाता है। इसमें लिखिएगा लोक कल्याण, जनभावना और संवेदनशीलता निहित होती है, और संवेदनशीलता निहित होती है जो स्वयं में एक सुशासन है, जो स्वयं में एक सुशासन है। ओके, लिखे लाइन बदले। यह सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाती है, यह सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाती है। ठीक है ना, इसमें शैक्षिक संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, समुदाय संबंधित संस्थाएं, मैंने बोला ना कि हर तरीके से हो सकता है और हर जगह हो सकता है, समुदाय संबंधित संस्थाएं, पर्यावरणीय आंदोलन, मेधा पाटेकर वगैरह जैसे देखे, मानव अधिकार मंच, श्रम संगठन, लेबर यूनियन वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, अन्य संबंधित, अन्य अनेक प्रकार की संस्थाएं, नागरिक समाज के रूप में उभरते हुए देखा जा सकता है। हीगल ने कहा है, हीगल एक दार्शनिक है, यह एक ऐसा समाज है, हीगल ने कहा है कि यह एक ऐसा समाज है जहां मानवीय खुशियों को बढ़ावा दिया जाता है। अब लिखे विशेषताएं,
नागरिक समाज की विशेषता, सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल सोसाइटी। पहला लोक सशक्तिकरण, पब्लिक एम्पावरमेंट। ओके, दूसरा जन सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसमें पब्लिक का मन होता है, बताया हूं। और उन्हें गतिशील करना, पार्टिसिपेशन तीसरा लिखे, और उन्हें गतिशील करना। अकाउंटेबिलिटी लागू कराना, सरकार की अकाउंटेबिलिटी लागू कराते हैं, जैसे कि ये तुम्हारा काम था तुम किए नहीं हो। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यही होती है, उत्तरदायी शासन प्रणाली में यही होता है, जनता सर्वे सर्वा होती है। राज्य और बाजार को, नेक्स्ट, राज्य और बाजार को जनता के अनुकूल बनाना, स्टेट एंड मार्केट को जनता के अनुकूल बनाना। ठीक है, इसके अलावा समाज की मुख्य समस्याओं को, सोसाइटी की मुख्य समस्याओं को बाहर लाना, और सरकार तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, ताकि उस पर पॉलिसी बने और जो जनता उस नियम काम से वंचित है उस तक ये बात पहुंचे। अब एक हेडिंग बनाए कि नागरिक समाज से सुशासन, गुड गवर्नेंस फ्रॉम सिविल सोसाइटी। यह समाज, यह सोसाइटी सरकारी और प्रशासनिक, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, गतिविधियों के लिए वॉच डॉग की तरह काम करता है। वॉच डॉग शब्द निगेटिव नहीं होता है, हम लोग सीएजी को भी यही बोलते हैं, वॉच डॉग ही होता है। पट्टे से बंधा हुआ एक ऐसा डॉग जो वॉच करता है कि पैसा उसी तरीके से खर्च किया गया है कि नहीं जैसे पार्लियामेंट ने इनको परमिशन दिया है। अगर पार्लियामेंट ने जैसे परमिशन दिया है वैसे नहीं खर्च कर रहे हैं तो ऑडिटिंग में पकड़ लेगा, फिर बाद में देखते हैं क्या क्या होता है। जितने घोटाले खुलते हैं सब सीएजी की रिपोर्ट में ही खुलते हैं। आगे, प्रशासन की जवाबदेहिता सुनिश्चित करते हैं, दूसरी विशेषता है ये नागरिक समाज और सुशासन में क्या हुआ, ये जवाबदेहिता को सुनिश्चित करते हैं। जवाबदेहिता सुनिश्चित करने का मतलब होता है गुड गवर्नेंस। तो अगर नागरिक समाज सरकार को जवाबदेही बनाता है तो ये गुड गवर्नेंस है, यानी नागरिक समाज से गुड गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिला। समाज के पिछड़े वर्गों की आवाज सरकार तक पहुंचाना, पिछड़े का मतलब यहां ओबीसी या बैकवर्ड नहीं बोल रहे, मतलब जो नई आवाज पहुंचा सकते। समाज के पिछड़े वर्गों की आवाज सरकार तक पहुंचाना, और सेंसिटिव मुद्दे को, संवेदनशील मुद्दा, संवेदनशीलता सुशासन का गहना है, संवेदनशील मुद्दे को उठाकर अपनी भूमिका अदा करना, अपना रोल अदा करना।
लिखें, किसी सरकारी नीति के विरोध में, कोई सरकारी नीति ऐसी भी हो जाए जो जनता की संवेदनशीलता का ही उल्लंघन करते, उसके कल्याण को ही उल्लंघन करते, तब भी सिविल सोसाइटी आ गया। कानून बनवाती ही नहीं है, कानून खराब है तो उसके खिलाफ भी आ जाती। तो लिखिएगा, किसी सरकारी नीति के विरोध में भी आवाज उठाना, और किसी विषय को नीति बनाने का भी दबाव डालना। कोई विषय है उसको नीति का रूप दिया जाए, उसके लिए भी दबाव डालना। लिखिए, सूचना का अधिकार, नीचे लिखिए, सूचना का अधिकार का जो कानून है, सूचना का अधिकार कानून लिख लीजिए, सिटीजन चार्टर लिख लीजिए, नागरिक अधिकार पत्र, ठीक, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, काम का अधिकार, मनरेगा लिख लीजिए, इत्यादि के निर्माण में सिविल समाज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इत्यादि के निर्माण में सिविल समाज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लोकपाल विधेयक को अधिनियमित कराने, लिख लीजिए, अन्ना हजारे जी का लोकपाल विधेयक, विधेयक था उसको अधिनियमित किया, कराने पर नागरिक समाज का ही बड़ा दबाव था। ठीक, उक्त सभी मुद्दे, जो उदाहरण आपने दिया है, उक्त उपरोक्त बोलते हैं, ऊपर जो लिखा है आपने, जो मुद्दे, उक्त सभी मुद्दे जन कल्याण और संवेदनशील थे, संवेदनशीलता से युक्त हैं, जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर एंड सेंसिबल, सेंसिबिलिटी से युक्त हैं, ऐसे में नागरिक समाज से भी सुशासन को बढ़ावा मिला, नागरिक समाज से भी सुशासन को बढ़ावा मिला। ठीक है, लिखिएगा, नागरिक समाज की सीमाएं, एक छोटा सा हेडिंग लिखिए, बस यही आखिरी है, इसमें आप गुड गवर्नेंस को लाएंगे, गुड गवर्नेंस की बात को जब जोड़ेंगे और इसको लिखेंगे तो एक टिप्पणी बन जाती है, इसका स्वरूप टिप्पणी का अलग, मैं इसी में पांच सवाल लिख दूं, आप इसी में मटेरियल से पांचों सवाल लिख देंगे, नहीं हो तो अभी हम दो तीन और लिखवा देंगे, कहिएगा आप क्या कहेंगे, हम कहिए लिखवा देते हैं। सीमाएं लिखिए, नागरिक समाज लोकतंत्र का पर्याय है, लोगों की आवाज होती है बट लोगों का मन होता है, लोगों का मत नहीं होता है, लोकतंत्र का पर्याय है, सुशासन की स्थापना, बहुत गौर करके लिखना, इसकी सीमा भी पता चल जाएगी कि कितनी सीमा है, सुशासन की स्थापना, कामा प्रशासनिक जवाबदेही, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, प्रशासनिक जवाबदेही आदि के लिए भूमिका निभाता है। लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं,
नंबर वन, ठीक, सुशासन लाने वाला सिविल समाज, नंबर वन में लिखिए सुशासन की बात करने वाला सिविल समाज संकीर्ण हितों के चलते नैरो, संकीर्ण का मतलब नैरो इंटरेस्ट, संकीर्ण हितों के चलते कभी कभी एजेंडा बदल लेता है, एजेंडा बदल लेता है। ठीक है, देखिए जिन सरकारों से आप जो पॉलिसी चाहते हैं, मुझे ठीक से याद है कि जब लोकपाल को लेकर के बार्गेनिंग चल रही थी तो सरकार ये देना चाह रही, सरकार वो नहीं देना चाह रही है, और बाद में जब लोकपाल का बिल पारित किया गया, सरकार ने कहा हम ये पारित करने का आश्वासन दिया, और बाद में आप जाके देखिएगा कि अन्ना हजारे साहब जिस बात के लिए लोकपाल के लिए इतना बड़ा उन्होंने अपना त्याग किया, इतना बड़ा आंदोलन किया, बिल जाके पढ़ लीजिए, और अन्ना हजारे साहब का जो एजेंडा था, जो घोषणा था एक प्रकार से लोकपाल को लेकर के, उसको मिला लीजिए तो हम लोग इसको एक अपाहिज लोकपाल बिल कहते हैं, वो नहीं है। यहां ये नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने एक व्यापक लोकपाल बिल की जो अवधारणा थी उसके साथ एक संकीर्ण समझौता कर लिया। यहां पर सरकारें दरिया दिली नहीं दिखा पाती हैं, जब सरकारें दरिया दिली नहीं दिखाती हैं तो गुड पॉलिटिक्स नहीं होती है, जो मैं पहले बता रहा था, सरकारों की दरिया दिली से ही गुड पॉलिटिक्स निकलती है, और सरकारें दरिया दिली तब नहीं दिखाती हैं जब वो स्वयं अपने हितों के लिए संकीर्ण हो जाती है। अपने हितों की संकीर्णता ये है, आपको याद दिलाऊं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने स्वयं प्रधानमंत्री को लोकपाल में डाल दिया, लेकिन कई लोग इसमें निकालना डालना ऐसा परंपरा रहा, कई मुख्यमंत्री डरते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक आयुक्त, जब चर्चा चली ऐसे टीवी पे हल्ला होने लगा लोक आयुक्त का, तो उन्होंने कहा कि लोक आयुक्त लोकपाल में यह है कि वो लोक आयुक्त स्टेट का होता है, लोकपाल केंद्र का, तो उन्होंने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है, यानी करप्शन जीरो है, कुछ है ही नहीं करप्शन, तो ऐसे में लोक आयुक्त की आवश्यकता ही नहीं, करप्शन हो तब तो लाए लोक आयुक्त ना, तो जिस जो एजेंसी हम लाना चाह रहे हैं उस एजेंसी का क्या काम जब हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है, उनका कहने का भाव ये। तो टीवी पे मैं, आप लोगों को आइडिया होगा कि मैं टीवी डिबेट में पैनलिस्ट हूँ, दूरदर्शन हो, कई टीवी चैनलों पर मुझे देखे होंगे, नहीं देखे होंगे मेरे फेसबुक पे जाइएगा, टीवी डिबेट सुनिएगा, डला रहता उसमें। तो मैं टीवी चैनल पे था इसी मुद्दे पे, तो मैंने ये काउंटर किया कि लोक आयुक्त जीरो टॉलरेंस अगर मान भी लेते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, कि राम राज्य है, कोई करप्शन नहीं, तब भी आप लोकायुक्त इसलिए लाइए कि जीरो टॉलरेंस बना रहे। क्या समझे, लोकायुक्त या लोकपाल इसलिए मत लाइए कि देश में या राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार नहीं भी है, चले मान लेते हैं भ्रष्टाचार नहीं है, तब भी आप ये संस्थाएं इसलिए लाइए ताकि भ्रष्टाचार ना हो, शुरू ही ना हो। तो जो संस्था की जिम्मेदारी है, जो सिविल समाज ने गुड गवर्नेंस की एक लकीर लोकायुक्त लोकपाल के बिल के माध्यम, हालांकि मैं लोकायुक्त यहां छोड़ देता हूं, 69 से उड़ीसा में पहला बिल और मध्य महाराष्ट्र में पहला लोकायुक्त आ चुका था, लेकिन जो लोकायुक्त को लेकर के जो संकीर्णता सरकारों ने दिखाई, जो एजेंडा लेके चले थे, हो सकता है मैं मानता हूं कि जो आप मांग रहे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसको एक अपाहिज लोग एक बिल के या अधिनियम के तौर पर उसको देखा जाए तो ये तो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ गुड पॉलिटिक्स का अभाव हो जाता है, और गुड पॉलिटिक्स का अभाव वही विजनरी, वही मैनेजरियल, वही अप्रोचेबल न होना है। तो गुड पॉलिटिक्स अगर नहीं होगी तो गुड पॉलिसी नहीं बनेगी, गुड पॉलिसी नहीं बनेगी
तो गुड एग्जीक्यूशन नहीं होगा, गुड एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो पब्लिक इंटरेस्ट पूरे नहीं होंगे, तो गुड गवर्नेंस नहीं। इसलिए गुड पॉलिसी, फ्रॉम गुड पॉलिसी टू गुड गवर्नेंस। तो सिविल सोसाइटी उसी गुड पॉलिटिक्स की फिराक में रहती है, उसी गुड एग्जीक्यूशन की फिराक में रहती है, वही गुड इंपैक्ट पड़े, पब्लिक को खुशियां मिले, उसके चक्कर में रहती है। लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। मैं आलोचना कर रहा हूं सिविल सोसाइटी, क्या कहा जाए उसकी सीमा बता रहा हूं। लेकिन सिविल सोसाइटी भी क्या करें, सिविल सोसाइटी तो कुछ लोगों के मन है ना भाई, पूरे देश का मत नहीं है, वो मन है। आंदोलन कितना लेके चलेंगे, उम्र भी होती है। देखे होंगे गंगा में खुदाई ना हो, गंगा में ये बालू रेत का इतना ना निकाला जाए, उसके लिए पर्यावरण को लेकर के कितने लोग भूखे बैठे मर गए, शहीद हो गए। सूद लिया सरकारों ने पर्यावरण को लेकर के, कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन किया, चाहे गंगा हो, नर्मदा हो, कहीं भी आप देख लीजिए, जहां जहां पर पर्यावरणीय संकट, खुदाई के कारण, पेड़ कटाई के कारण, कटाव के कारण, किसी भी कारण से आया, आप देखिए कि संवेदनशीलता इसमें भी जनहित है। सिविल सोसाइटी के या नेतृत्व करने वाले, मैंने लिखा है एग्जाम्पल, दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ जाता है और डिमेंड करने लगती है सरकार, ये होने लगता है, वो होने लगता है, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, कुछ तो राहत मिले, सांस लेने को नहीं मिल रहा है। कितने लेख हम लोग लिख डालते हैं उस बीच में, पराली जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा सब चल रहा है ना। तो जो जब सांस ही नहीं ले पाएंगे तो मानव जीवन कहां सुरक्षित रहेगा। तो एक समाज जाएगा, कोई डाल देगा याचिका के साथ, ये पर्यावरण प्रदूषण को कैसे हो, सुप्रीम कोर्ट फिर सरकार को टपट लगाएगा, आप ये करिए वो करिए, कुछ न्यायालय के सहारे, कुछ सिविल सोसाइटी के सहारे, कुछ सहारे सरकार स्वयं के सहारे जनहित को सुनिश्चित करती है और खुशियां बांटने का काम करती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर पॉलिटिक्स में, पॉलिसी में संकीर्णता होगी तो गुड गवर्नेंस कमजोर होगा। और गुड गवर्नेंस कमजोर होने का मतलब है सिंपली कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में उतना काम नहीं हुआ, या सेंसिबिलिटी प्रॉब्लम रहेगी, पब्लिक वेलफेयर की प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट लिखिएगा, पर्याप्त वित्तीय साधनों का अभाव होता है। सिविल सोसाइटी कोई ऐसा तो है नहीं कि उसको संचित निधि से पैसा मिल रहा है। सरकार तो कोई भी काम करेगी, विनियोग विधेयक पारित करा ले, जिसको आप एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, संचित निधि से खर्च का अधिकार ले लेती है। लेकिन सिविल सोसाइटी के लोग कौन सा फंड से निकालेंगे पैसा, वो चंदा फंदा ऐसे पब्लिक वब्लिक से चलता है। तो पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव रहता है, इनकी सीमाएं ये हैं। नेक्स्ट है प्रशिक्षित और व्यावसायिक कार्यकर्ताओं का अभाव, ट्रेंड और जो एक प्रकार से प्रोफेशनल जो इनके एक्टिविस्ट होते हैं वो नहीं होते हैं, वो सीख रहे होते हैं उसी में, आप समझे ना। तो प्रशिक्षित और व्यावसायिक नहीं होते, ये तो इनोसेंट होते हैं ना, संवेदनशील होते हैं, एक मुद्दा है उसमें जनहित है, चल देते हैं। आजकल देखिए जो लोग चावल दाल ये वगैरह वगैरह बांट रहे हैं, आप उन सबको देखिए कि वो कभी कभी इतने इनोसेंट हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना पा रहे हैं, वो ऐसे पोटली पकड़ाते हैं, कितनी दूरी रहती होगी, है ना। तो ये एक मतलब उनके ये क्राइम नहीं है, वो आप क्राइम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, एक अच्छा काम करने के चक्कर में ये गलती कर दे रहे हैं, ये उसको एक हाथ से ऐसे पकड़ा रहे हैं, वो भी खड़ा है, वो भी खड़े हैं, 6 फीट की दूरी होनी चाहिए, 2 फीट की दूरी पे लेन देन कर रहे हैं। तो ये एक इनोसेंट थ्योरी हो गई, नॉट अ क्राइम थ्योरी, एक अच्छा काम कर रहे हैं, इस अच्छे काम के कारण गलतियां हो जा रही है। काम कर रहे हो अच्छे जो व्यवसायिक नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध एक फिल्म आपने देखा होगा जिसमें वो नेवल अफसर बना होता है अक्षय कुमार, और उस वो अपना केस खुद लड़ रहा होता है, वो एयर क्या बोलते हैं पानी का जहाज वहाज का सीन होता है उसमें, मुझे फिल्म याद नहीं है क्या है, मैं देखा उस फिल्म को, उसमें वो अपना वकालत खुद करता है। तो जज कहता है कि मिस्टर पावरी क्या ऐसा नाम होता है, हाँ, कि मैं आपको इसलिए मतलब ठीक से नहीं मतलब आपको मौका दे रहा हूँ, लिबरल हूँ आपके प्रति, क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं है। और फिर वो एक बार कहता है कि आप अपनी नवेल की तहजीब को छोड़ दीजिए, आप ऐसा समझिए कि जैसे आप एक बेशरम वकील हैं, ऐसा कुछ या कुछ ऐसा वर्ड बोलता। कहने का मेरा मतलब है कि वो वकील नहीं थे,
वो ट्रेंड नहीं थे, लेकिन एक जो गलती हो रही थी वो इनोसेंट के कारण हो रही थी, इसलिए क्राइम नहीं है। एक अच्छे काम के कारण हुई गलती गैर इरादतन होती है, एक प्रकार से जिसमें हमारा इंटेंशन नहीं होता। लॉ में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि इंटेंशन अगर है तो क्राइम है, इंटेंशन अगर है तभी क्राइम होगा। अगर कोई घटना घट गई लेकिन अगर आपका इंटेंशन नहीं है तो उसमें उस घटना के घटने के बराबर आप पे चार्ज नहीं होगा, समझ गए ना। जैसे उठते समय किसी को चोट लग गई, मान लो आप उठे वो गिर गया आपके उठने से, तो आप तो उठ रहे थे, अपने लिए वो ध्यान नहीं दिए, तो आपका इंटेंशन उसको गिराना नहीं था, इसलिए जो घटना घटी होगी उसके क्रिमिनल आप नहीं कर रहे, इंटेंशन होना बहुत जरूरी होता है, आप समझे ना। इंटेंशन होना तब वो ऐसा सब कोर्ट कचहरी का मामला वकालत वगैरह का। आगे आता है नागरिक समाज संगठन, नागरिक समाज संगठन, जाति, जैसे मैंने बोला ना सब जगह जाति धर्म संप्रदाय इत्यादि पर आधारित होने के कारण कहीं कहीं समाज को विभाजित कर देते हैं, ये होता है। लेकिन इसकी सीमा यह है कि जब किसी जाति के लिए किसी धर्म के लिए एक नागरिक समाज तैयार होता है तो कहीं ना कहीं समाज को विभाजित करता है। नौकरशाहों का सहयोग और रुकावट, ब्यूरोक्रेसी जो है देखे होंगे कि कम कॉपरेट नहीं करती है, नॉन कॉपरेटिव ब्यूरोक्रेटिक ब्यूरोक्रेट का नॉन कॉपरेशन जो थ्योरी है वो भी इनकी सीमाओं को निर्धारित कर देता है, मतलब कमजोर रहता है वो, इसको आलोचना भी आप कर सकते हैं, इससे भी वो रुकावट हो जाती है। पॉलिटिकल हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिक्स का भी हस्तक्षेप होता है इन पे। अगर पॉलिटिक्स ने किसी से ऐसे दबाव वबाव डाल दिया है रहने दो मत करो, वो रुक जाते हैं। इस प्रकार लाइन बदल दीजिए, क्योंकि नागरिक समाज वैध नहीं होता, क्योंकि राजनीति नागरिक समाज वैध लीगल नहीं होता, एक जन समूह विचारधारा है, ऐसे में हाँ उनकी भूमिका कई मामलों में सीमित रहती है, कई मामलों में सीमित रहती है। अब जैसे हमने कहा दो तीन सवाल हम आपको लिखवा देते हैं, दो तीन सवाल इसी में लिख लीजिए, इसी से लिख लेंगे, लिखिए। नागरिक समाज सुशासन को मजबूत करने में, लिख लीजिए सवाल, नागरिक समाज सुशासन को मजबूत करने में बीते 3 दशकों से, पिछले 30 सालों से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। उदारीकरण के बाद आफ्टर लिबरलाइजेशन, इस दिशा में उसकी भूमिका पर टिप्पणी करें, उदारीकरण के बाद उसकी भूमिका पर टिप्पणी करें, क्या रहा लिबरलाइजेशन का। एक लिखें और, नागरिक समाज सरकार और उसकी नीतियों को प्रभावित करता है, गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसी को प्रभावित करता है, खामियों को दूर करके सुशासन की ओर झुकाता है, खामियों को दूर करके सुशासन की ओर झुकाता है। ओके, ये सब सवाल आप इसमें से करने का प्रयास करें। बाकी जो पीछे हम सब बताते हैं
उसका भी यहां नाता होता है। अब तक जितना गुड गवर्नेंस पढ़ा रहे हैं उसका जो मेजर इश्यूज हैं, चाहे गुड गवर्नेंस का सिग्निफिकेंस हो, इंपॉर्टेंस हो, डिफिनीशन हो और उसका इफेक्ट हो, वो किसी भी टॉपिक में आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। यानी 50 शब्द किसी भी टॉपिक को जब हम दिखाते हैं तो उसमें से 50 शब्द माइनस कर दीजिए, जो टिप्पणी के हिसाब से 200 के हिसाब से, तो 150 शब्द लिखने की आपकी ड्यूटी होती है। 50 शब्द आप गुड गवर्नेंस की जो फीलिंग है वहां से ऑटोमेटिक उसको लाते रहते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद फिर मैं